महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। नई मुश्किल क्या है आपको बताते हैं। एक बार फिर से मुश्किल में घिर गए हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनका एक और चहेता, उनका एक और विश्वास पात्र जो है उन्हें छोड़कर जाने वाला है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। शिंदे की बगावत के बाद खबर है कि एक और विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। और ये दावा शिवसेना के बागी गुट के विधायक और फिलहाल शिंदे सरकार में मंत्री संदीपन भुमारे ने किया है। संदीपन के मुताबिक उद्धव ठाकरे का एक और विधायक उनका साथ छोड़ने ही वाला है और इस कड़ी में उन्होंने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की है। हालांकि भुमारे ने अभी तक बिना नाम लिए ये दावा किया है, यानी अभी तक खुलासा नहीं किया उनके नाम का जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। आखिर वो कौन है, ये एक बड़ी बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है उनका नाम। और ये सारी बातें भुमारे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। दरअसल मामला ये है कि शिंदे सरकार में रोजगार गारंटी और हार्टिकल्चर मंत्री भुमारे औरंगाबाद के पैठन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सभी को चौंकाते हुए उन्होंने कहा कि एक और विधायक बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं और शिंदे गुट के साथ मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि भुमारे मंत्री बनने के बाद पहली बार पैठन पहुंचे थे। वहीं इस पर हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने शिवसेना के MLC अंबादास दानवे ने कहा, भुमारे की सभा में 50 लोग भी मौजूद नहीं थे। सबसे पहले उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। औरंगाबाद जिले के पैठन से विधायक हैं वो और पांचवी बार के विधायक हैं और MVA सरकार में यही पोर्टफोलियो भी वो संभाल रहे थे जो अभी उनके पास है। भुमारे के इलाके में शुगर फैक्ट्रीज हैं, विशेषज्ञों की माने तो उनकी सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई खाली कुर्सियां भी नजर आ रही थी। हालांकि इस दौरान इससे ज़्यादा चर्चा भुमारे द्वारा दिए गए उस दावे की होती रही जो उन्होंने इस जनसभा के दौरान किए हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने BJP को चौतरफा घेरने की तैयारियां कर ली हैं। 26 अगस्त को उद्धव ने मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया। ये तब हुआ जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एकनाथ शिंदे के विद्रोह और महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद के प्रभाव से जूझ रही है। उद्धव ठाकरे की हालत खस्ता है, भले वो दिखाते ना हो लेकिन सच यही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि संभाजी ब्रिगेड के साथ गठजोड़ वैचारिक है और इसे संविधान और क्षेत्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए किया गया है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का पालन नहीं करने के लिए BJP की आलोचना भी की थी और कहा कि संभाजी ब्रिगेड में विचारधारा के लिए लड़ने वाले लोग शामिल हैं। ठाकरे ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कॉन्ट्रैक्ट सीएम वाली बात कहा था, यानी एकनाथ शिंदे को कॉन्ट्रैक्ट सीएम वाली कोई बात उन्होंने की थी। उस आरोप से भी उद्धव ठाकरे ने किनारा कर लिया है। शिवसेना प्रमुख ने कहा है कि वो दशहरे के आसपास राज्य का दौरा करेंगे और वर्तमान में संगठन के निर्माण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पिछले 2 महीनों में कई दलों ने उनसे संपर्क किया जिनका शिवसेना के साथ वैचारिक संबंध था और यहां तक कि उन्होंने भी संपर्क किया जो इसके धुर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि पार्टियां क्षेत्रीय गौरव और क्षेत्रीय दलों को बचाने के लिए एक साथ आना चाहती हैं। संभाजी ब्रिगेड के प्रमुख मनोज आखरे ने कहा कि संगठन ने 2016 में अपनी राजनीतिक शाखा बनाई थी। दोनों दलों ने एक साथ आने और निर्बाध कामकाज के लिए एक समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। तो वहीं इस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के तंज का जवाब भी दिया और कहा, हाँ मैं ठेके पर मुख्यमंत्री हूँ लेकिन मैं जनता के विकास का ठेका लेने वाला मुख्यमंत्री हूँ। दूसरी ओर महाराष्ट्र विधान परिसर में शिंदे गुट के विधायक गुरुवार को भी आक्रामक दिखे थे। ये विधायक आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते दिखे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने एक भाषण में ठेके पर काम करने वाली बिजली कर्मचारियों की समस्या पर कहा था कि इनकी समस्याएं वो मुख्यमंत्री क्या सुलझाएगा जो खुद ही ठेके पर हो, और ये बात एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा चुभ गई। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा था कि उसे तो ये भी पता नहीं कि वो कब तक मुख्यमंत्री है, जिसका जवाब एकनाथ शिंदे ने दिया। खैर, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी खबर ये है कि क्या उद्धव ठाकरे का एक और करीबी विधायक शिंदे गुट में शामिल होगा। अगर ऐसा होगा तो उद्धव ठाकरे और कितने कमजोर होंगे और उद्धव ठाकरे अब पार्टी को लेकर
किस तरह आगे जाएंगे, क्योंकि लगातार चुनावों का दौर शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में और सबसे बड़ी लड़ाई तो शिवसेना पर वर्चस्व की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।